मध्य प्रदेश में एक बार फिर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश होने की आशंका जताई। कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि अगर अभी ये हालात हैं तो आगे क्या होगा। मध्य प्रदेश पर फिर बरसने वाली है आफत। कई इलाकों में मुसीबतों की बारिश का अंदेशा। 35 जिलों में जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट। अब तक डूब चुका है आधा मध्य प्रदेश। कहीं बह गई सड़क, कहीं मुश्किल में जिंदगानी। जी हाँ, मध्य प्रदेश पर एक बार फिर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। भारी बारिश के चलते यहाँ पहले से ही तमाम नदी नाले उफान पर हैं। लगभग आधा मध्य प्रदेश पूरी तरह जलमग्न हो गया है और आम आदमी मुसीबतों से जूझ रहा है। वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने आम लोगों की बेचैनी और बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि सूबे में एक बार फिर से वेदर सिस्टम एक्टिव हो गया है और ऐसे में प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होगी। जिन इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उसमें भोपाल, इंदौर, धार, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, बुरहानपुर, उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, आगर, देवास, नीमच, मंदसौर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, गुना, अशोकनगर, होशंगाबाद, हरदा, सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, नरसिंहपुर, अनूपपुर, डिंडोरी और जबलपुर का नाम शामिल है। ये तो आने वाली आफत की बात है, लेकिन सूबे में मौजूदा हालात भी कम चिंताजनक नहीं है। कोलार डैम के सभी गेट खोल दिए गए हैं। डैम के गेट खुलने से कोलार में सड़क भी पानी की तरह बह गई। और अभी ये हालात हैं, तो आने वाले दिनों में क्या हाल होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि एमपी में बीते 13 साल का रिकॉर्ड भी टूट सकता है। टीम न्यूज़ स्टेट।